यूपी के रामपुर में लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला बुर्का पहनकर अपनी जेठानी का वोट डालने पहुंच गई थी, जिसे पुलिस और जिला प्रशासन ने शक होने के आधार पर महिला को फर्जी वोट डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि महिला बुर्का पहनकर अपनी जेठानी की जगह वोट डालने पहुंची थी। मामला रामपुर के बिलासपुर के विशारद नगर कस्बे का है। पकड़ी गई महिला ने पूछताछ में जो कहा वो और चौंकाने वाला है। महिला ने बताया कि उसे सास ससुर ने वोट डालने के लिए भेजा था। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। पूरा वाक्य रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान का है। इसी दौरान बिलासपुर थाना क्षेत्र के एक बूथ में फर्जी वोट डालने का प्रयास करती एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर अपनी जेठानी का वोट डालने का आरोप। उपजिला अधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी बिलासपुर ने महिला को पकड़ा। पकड़े जाने के बाद महिला ने बताया कि वह अपनी जेठानी की जगह वोट डालने पहुंची थी, इसके लिए उसके सास ससुर ने भेजा था। बता दें कि सपा नेता आजम खान के इस्तीफा देने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई है। वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी लगातार पुलिस प्रशासन पर सपा के वोटरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। सपा की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट्स में कहा गया कि रामपुर और आजमगढ़ में सत्ता के दबाव में पुलिस और जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है। इतना ही नहीं, एक ट्वीट में तो ये भी कहा गया कि रामपुर में मुस्लिम महिलाओं को पुलिस मतदान से रोक रही है। सपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है और तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। ठीक इसके बाद एक महिला फर्जी वोट डालने के प्रयास में गिरफ्तार हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।